नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं अमानत नॉलेज। दोस्तों, आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि खतियान पूर्वज के नाम पर है, तो क्या जमाबंदी अपने नाम पर करा सकते हैं? तो दोस्तों, इसी को जानेंगे, और जानने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि जमीन संबंधित नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूं। चलिए आगे जानकारी प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, अगर मान लीजिए आपके पास खतियान है और वह खतियान आपके पूर्वज के नाम से है, और उसके बाद आप चाहते हैं कि वह खतियान से जो जमाबंदी चल रहा है वह जमाबंदी जो है अपने नाम करा लें, तो कैसे कर पाएंगे या कैसे होगा? तो दोस्तों, इसके लिए जो है, इससे पूर्व जो है, वर्तमान समय से पूर्व की अगर हम बात करें, तो उस समय बंटवारा करने के उपरांत भी जमाबंदी अलग कर दिया जाता था, लेकिन वर्तमान समय में आप चाहते हैं कि सरपंच के द्वारा या फिर आपका जो आपसी सहमति के द्वारा जो जमाबंदी या फिर जो आपका शेयर है, हिस्सा है, उसको अलग करके आप आवेदन दे अंचल में, तो वो मतलब हो जाता था पहले आपका जमाबंदी अलग। लेकिन वर्तमान समय में ऐसी परिस्थिति नहीं है। आप अगर जमाबंदी अपने नाम कराना चाहते हैं तो इसके लिए रजिस्ट्री की प्रक्रिया में आपको जाना पड़ेगा, ठीक है? तो रजिस्ट्री में जो है आपका रजिस्ट्री पेपर बनेगा, रजिस्ट्री पेपर बनने के बाद जो है उसका दाखिल खरीद होगा, मतलब कि आपके नाम से जमाबंदी कायम होगा। तो ये प्रक्रिया है वर्तमान समय का, ठीक है? तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि अब अच्छी तरह से आप समझ गए होंगे। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा। थैंक्स।